सो हेलो टाइटेनियम गैंग सर, स्वागत है भाई लोग एक और नए वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली इवेंट में हम लोगों को रॉकेट कलेक्ट करना है, चक्री कलेक्ट करना है एंड बरमूडा पे लाके फोड़ देना है। समझ रहे हो ना, सर्वर पे तो इन लोगों ने तोड़ रखा है कि भाई खेलना तो है नहीं आप लोगों को, खेलो जितना क्लासिक खेलना है खेल लो, दम के सर्वर को और खराब कर दो। मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है पता नहीं गाइस। तो यार हम लोग आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेके आ गए कि आपको सबसे ज्यादा चक्री एंड ये जो होता है ना अपना रॉकेट कहाँ पे मिलेगा गाइस। एंड यस गाइस, वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्योंकि यार मैं कोई बेतुका बातें करता नहीं, यार गेम खेल रहा था, इतने दिन से सर्वर डाउन था यार, तो गेम में भी एंट्री मिल नहीं रही थी, बार बार बैक हो जा रहा था। सो गाइस यहाँ पर क्या सीन हो रहा है ना कि यहाँ पर जो इस इवेंट को लाया गया है ना, यहाँ पर एल्गोरिथम पे बेस्ड है, इन्होंने प्लांट कर रखा है कि इस जगह पे ही फिक्स्ड आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पर चक्री मिल गया हमें, एंड गाइस प्लांट कर रखा है इन लोगों ने कि यहाँ पर और एक चक्री मिल गया देखो। सो इस जगह पे ना हम लोगों को परमानेंट मिलेगा, ऐसा कर रखा है इन लोगों ने। अब बोलोगे भाई कैसे आप लोगों को पता है, तो भाई मैंने ये 4 से 5 बैच खेला 20-20 मिनट का, एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पर पता चला कि भाई ऐसा मतलब इनका एल्गोरिदम सिस्टम काम कर रहा है कि जो बैक साइड में है ना, किनारे साइड जो है, देखो यार यहाँ कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सामने में आप लोग देखो एक रॉकेट रखा हुआ है, ठीक है। एंड ये कहाँ पर का एरिया है, ये है आपका ग्रेवयार्ड साइड का एरिया है। सो गाइज हम कैसे उतरे हैं, एक बंदा ऑब्जर्वेटरी उतरा है, एक बंदा ग्रेवयार्ड उतरा है, एक बंदा शिपयार्ड उतरा है, एंड एक बंदा जो है ना वो बीच में उतरा है हैंगर के साइड में गाइज। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वाड में खेल करके उतरे हुए हैं। एंड यस गाइज हम लोगों को ना 2-3 ऐसे कर करके इधर किनारे देखो यार एक और रॉकेट मिल गया यहाँ पे। तो भाई 2 रॉकेट एंड 2 चक्री हमें मिल गई है। एंड गाइज फिर वापस से बात कर लेते हैं वहीं पे कि यार कुछ लोगों को ये ट्रिक पता है, तभी जा करके वो लोग इधर ही साइड उतरते हैं एंड थर्ड पार्टी होकर के मार देते गाइज, जैसा कि अभी मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन यस गाइज जैसा कि हम लोग बोले कि भाई हम लोगों ने 3 जगह पे उतरे। एंड यस गाइज इसको कैसे प्लांट किया गया वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यार फ्री फायर का जो एल्गोरिदम है ना वो इस तरीके से काम करता है कि आपको अगर यहाँ पर ये चीज मिल रहा है ना, अगला भी वहीं पे मिलेगा, 5-6 मीटर की डिस्टेंस में मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, तो उसी रेंज में मिलेगा, इस तरीके से उसका एल्गोरिदम काम करता है। तो देखो यार यहाँ पर हमने, मैं मर गया हूँ, लेकिन गाइज हमारे जो टीममेट्स हैं ना वो पूरे मतलब फैले हुए हैं यहाँ वहाँ एंड पूरे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो शिपयार्ड के साइड में हमारे टीममेट हैं उनको यहाँ पर एक रॉकेट मिल गया है, देख सकते हो यहाँ पर कैसे। तो गाइज यहाँ पर उसी तरीके से ऑब्जर्वेटरी पे एक बंदा एंड एक बंदा क्वार्टर जो है वो यहाँ पर शिपयार्ड के पास है गाइज। तो हम लोग किनारे उतरे एंड इसको ना किनारे में ही प्लांट किया गया है। एंड यस गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देखो एक बंदा हैंगर के साइड है, उधर जो होता है ना शिपयार्ड से ग्रेवयार्ड से आगे के साइड वहां पर है बंदा। सो गाइज इस तरीके से किनारे इसको प्लांट किया गया है। एंड अगर मान लो कि यहाँ पर हमें मतलब शिपयार्ड में मिलता है, देखो एक और मिल गया यहाँ पर शिपयार्ड में, तो गाइज शिपयार्ड में ना कम से कम 10 से 15 प्लांट किया गया है गाइज, जिसमें यार और लोग भी ढूंढ लेते हैं, इसलिए आपको 10 से 15 यहाँ पे मिल जाएंगे एंड 5-6 से 5-6-6-7 ऐसे करके ग्रेवयार्ड में मिल जाएगा गाइज एंड 3-4 ऑब्जर्वेटरी पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो मेन मुद्दे की बात है गाइज वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी एंड तक। एंड गाइज पूरा प्रूफ के साथ कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे ही मिल रहा है, कैसे हम प्रूफ दे सकते हैं कि 6-7 मिल रहा है या नहीं। तो भाई मैंने अब मेरा तो देख लिया आप लोगों ने कि मेरे को 2 मिल गए थे, उतरते के साथ ही 2 मिल गए थे। एंड यहाँ पर देखो शिपयार्ड में कितना ज्यादा मिल रहा है, इसे 3-4 मिल गए हैं अभी तक शिपयार्ड में इस पॉटर को। सो गाइज ये वाला ड्रेस पे आप लोग देख सकते हो रिपीट करके पीछे से, क्योंकि यार इन्हें इतने सारे यहाँ पर मिल गए ना, तो शिपयार्ड में इसको एल्गोरिदम किया हुआ है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल सकता है गाइज। तो आप शिपयार्ड उतरने की पूरी कोशिश किया करो एंड अपने स्क्वाड के साथ रहोगे तो और अच्छा है भाई, कोई मार नहीं पाएगा आपको क्योंकि यार और बंदे स्क्वाड के साथ ही उतरेंगे। एंड गाइज यहाँ पर देखो यार ग्रेवयार्ड में मैं मर गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो कि इसमें एक और मिल गया गाइज, यहाँ पर जो हमारे और टीममेट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर रॉकेट मिल गया। तो गाइज ग्रेवयार्ड में, शिपयार्ड में, ऑब्जर्वेटरी में एंड इस तरीके से किनारे जो है ना मैप का किनारा जो है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा देखने को यहाँ पर रॉकेट एंड चक्री ये सब। देखो यार एक और मिल गया शिपयार्ड में ये। तो गाइज बहुत ज्यादा ही मतलब ये वाला ट्रिक एकदम 100% काम करता है शिपयार्ड से थोड़ा आगे एंड ग्रेवयार्ड के बीचों बीच। तो यार ये मतलब इधर मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है किनारे के किनारे। तो भाई ये किनारे अगर आप लोग बोलोगे भाई हर जगह, तो देखो यार यहाँ पर क्लॉक टावर के साइड और हैंगर के बीचों बीच जो जगह पड़ती है ना वो जगह पे देखो यहाँ पर भी मिलता है गाइस। तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मिलता है, कम से कम नहीं भी तो 5 प्लांट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस एक तो यहाँ पर हो गया, एक हमारे टीममेट्स को भी मिली थी, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सो गाइस यहाँ पर क्या सीन है ना कि देखो यार यहाँ पर भी एक रॉकेट मिल गई हैंगर के साइड में। तो भाई इस तरीके से 5-6 इधर प्लांट किए गए हैं,
7-8 शिपयार्ड में प्लांट किया गया है। एंड गाइस वहां पर ऑब्जर्वेटरी में 3-4 प्लांट किया गया है एंड साथ ही साथ 5-6 प्लांट किया गया है ग्रेवयार्ड में। तो इस तरीके से काम करता है। मैं पूरा प्रूफ के साथ दूंगा कि टोटल हमने कितने कलेक्ट किए। तो 2 मैंने कलेक्ट किए थे एंड मेरी टीम्स ने ना टोटल मिला के 15-20 कलेक्ट कर रखे थे, बट बाकी लोगों के वीडियोस रिकॉर्डेड मेरे पास नहीं आ पाए, लेकिन 2 लोगों के आए हैं तो मैं वो आपको एंड में दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि इनका एल्गोरिदम जो है ना क्रैश हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा एक ही जगह पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर मिला है तो मतलब अगले बार भी यहीं पे मिलेगा, इस तरीके से गाइस। एंड यस, ये किनारे किनारे केवल इसी साइड में काम कर रहा है, ना कि यार मार्स इलेक्ट्रिक एंड उधर कभी कभार मिल रहा है, 3 से 4 मैच में एक बार मिलेगा देखने को, नहीं तो नहीं मिलेगा। मार्स इलेक्ट्रिक, केप टाउन, ये सब जो किनारा है ना उधर काम नहीं करेगा। तो देखो यार, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे को कितना कलेक्ट हुआ है। तो गाइस मेरे को 2 मिला था, आप लोग देख सकते हो, एंड 2 चक्री, 2 ये रॉकेट। एंड साथ ही साथ मैं अपने फ्रेंड के एंगल से दिखाऊं ना तो आपको, तो उन्हें कितना मिला था देख सकते हो। एंड बाकी 2 का रिपोर्ट मेरे को वीडियोस नहीं आ पाए क्योंकि यार उनका 2GB रैम है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। सो गाइस, जो बाकी के मेरे जो दोस्त थे उनका रिकॉर्ड तो नहीं आ पाया मेरे पास, लेकिन मैं एक और का दिखाना चाहूंगा जिनको यार शिपयार्ड में बहुत ज्यादा मिला था, उनका रॉकेट में दिखाना चाहूंगा गाइस। बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो है गाइस। वीडियो को एंड तक देख लिए होगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो यार इस जगह पे आप लोग देखो, उस दूसरे फ्रेंड के एंगल से जो कि यार इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था एंड उसे कितना मिली है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस, उसे जो है ना यहाँ पर 7 से 8 रिसीव हुई थी गाइस। तो देखो यार शिपयार्ड में ये बस इतना उठाया, तो देख सकते हो 7 और 5 चक्री गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। एंड भाई ये हर जगह नहीं मिल रही है, ग्रेवयार्ड, शिपयार्ड, हैंगर, ऑब्जर्वेटरी, इस तरीके से मिल रही है। तो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।